हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारा टॉपिक है वो होगा लिबर्टी सेफ्टी रूल्स के हवाले से। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है लिबर्टी सेफ्टी रूल्स, आपने लिबर्टी सुना होगा, गए भी होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स विजिट भी करते हैं। तो केमिस्ट्री लैब के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स भी होते हैं, वहाँ पर एसिड्स भी होते हैं, तो उनको आप अगर हमें लिबर्टी के सेफ्टी रूल्स के बारे में पता होगा तो हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और समझा भी पाएंगे। तो आइए हम उन रूल्स के बारे में मज़ीद कुछ जानते हैं। नंबर वन जो हमारी पॉइंट है वो है कंडक्ट एक्सपेरिमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। लेबोरेटरी के अंदर जो लैब असिस्टेंट या फिर टीचर बैठा है, जो हमें जो जिस चीज के बारे में बता रहा है हमें सिर्फ वही करनी है, ना कि जो टीचर हमें बता रहा है हम उनसे हट के अपनी चीजों में लग गए। जो टीचर बता रहा है, गाइडेंस दे रहा है, हमें सिर्फ उन पे ही अमल करना है, उनको ही सुनना है। अगर सेकंड पॉइंट की जानिब बढ़ें तो सेकंड पॉइंट है ओपन द डोर्स विंडोज फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। देखिए, लेबोरेटरी के अंदर मुख्तलिफ गैस भी होती हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो डोर और जो विंडोज होते हैं उनको खोल देनी चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन हो। पॉइंट नंबर थर्ड की जानिब बढ़ते हैं, कह रहे हैं मटेरियल मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस अलोड बाय द टीचर। वही अपैरेटस, वही सामान यूज करना है जो टीचर बताए कि ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ये अपराटस चाहिए, तो सिर्फ हमें वही यूज करें, ना कि अनदर दूसरे यूज करने चाहिए। पॉइंट नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, अपराटस मस्ट बी हैंडल करेक्टली। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, कोई बीकर उठाया, मेजरिंग सिलेंडर उठाया, कुछ भी हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट के हवाले से कोई भी अपराटस आपने उठाया, ऐसे ऐसे ही उठा दिया, नीचे गिर गया, मतलब उसको अच्छे से पकड़ना है, ना कि ऐसे पकड़ो और वो नीचे गिर जाए, ऐसे ना होना चाहिए, मतलब उसको मजबूती से पकड़ना है ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट भी सही हो जाए और हमारा लैब का कोई नुकसान भी ना हो। चलो पॉइंट फिफ्थ की जानिब बढ़ते हैं, डू नॉट स्मेल और टेस्ट एनी केमिकल सब्सटेंस विदाउट द परमिशन ऑफ टीचर। पॉइंट नंबर फाइव में क्या कह रहा है, कोई भी केमिकल हो, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कोई भी केमिकल लिया, स्मेल करते हैं, अरे वाह इसकी स्मेल कितनी पुंजेंट है, इसकी स्मेल कितनी ये रफ है, मतलब तो हमें कोई भी केमिकल स्मेल नहीं करना है। तो उसके हवाले से एक एप्रोन भी होता है, मास्क भी होता है, ग्लासेस भी होती हैं, तो वो भी हमें यूज करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं, कह रहा है वॉश ऑल अपैरेटस बिफोर यूजिंग इट। कह रहा है जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो अपैरेटस होती है उनको पहले वॉश करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम वॉश नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, तो हमारी रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगी। जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री या जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो उसकी जो रिजल्ट है उसमें एरर आएगा। तो कोशिश करें जब भी लेबोरेटरी के अंदर जाएं, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, तो जो अपैरेटस है उनको प्रॉपरली वॉश करके एंड देन आप उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं, वो है कि कीप फ्लेमेबल सब्सटेंस अवे फ्रॉम फ्लेम। लेबोरेटरी के अंदर जो फ्लेम होता है, गैसेस पे जो फ्लेम चलती हैं, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो कोशिश करें ऐसी चीज फ्लेम के सामने ना लाएं जिससे आप आग लग जाए या फिर यू नो ब्लास्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स केमिकल जल के कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करें जो फ्लेमेबल सब्सटेंस है उनको फ्लेम से थोड़ा दूर रखें। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं, वो है कि इफ केमिकल, अगर गलती से कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कोई केमिकल गलती से उनके मुंह में चला गया, तो स्पिट इट आउट, उसको थूकना है। एंड देन वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी से माउथ वॉश करना है। अगर गलती से आपके स्किन के ऊपर अगर केमिकल गलती से भी गिर जाता है, तो आप कोशिश करें उसको पानी से वॉश करें,
इसीलिए तो कहते हैं कि भाई आपने डॉक्टर देखे हैं एप्रॉन पहनते हैं, और लेबोरेटरी के अंदर जितने भी लैब असिस्टेंट हैं या कोई भी जो साइंटिस्ट होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, एक व्हाइट एप्रॉन पहना, आपने डॉक्टर को देखा है ना बिल्कुल व्हाइट कोट पहना होता है, उसको एप्रॉन भी कहते हैं और उसको लैब कोट भी कहते हैं। वो क्या करता है, गलती से भी कोई केमिकल स्किन पे ना गिरे, दैट्स व्हाई वो यू नो पाते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जाने, वो पॉइंट है वॉश योर हैंड्स After you have finished your work, कह रहा है जब भी आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, कभी कभी क्या होता है हम अपने मतलब के लिए कोई काम, तो चलो पहले हमने एपराटस वॉश कर लिए, एक्सपेरिमेंट हुआ अब बस रात गई बात गई, ऐसा नहीं करना। जब भी आप एक्सपेरिमेंट खत्म करें ना, तो जो एपराटस आपने उठाए थे जैसे ही आपने एपराटस वॉश किए थे बिल्कुल ऐसे ही आफ्टर एक्सपेरिमेंट वॉश करके अपनी अपनी जगह पे रखना है, ठीक। एंड लास्ट पॉइंट है वो है कि कीप अ फर्स्ट एड किट इन द लेबोरेटरी। अक्सर क्या है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है, एक्सीडेंटली कोई वाकया हो जाए तो हमें फर्स्ट एड किट रखनी चाहिए, जरूरत के वक्त हमें काम आए। तो ये लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स के हवाले से कुछ पॉइंट्स थी जिसको अगर हम जहन में रखेंगे तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा और टीचर्स भी हमसे बेहद खुश होंगे। तो आई होप आप जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इन सारी पॉइंट्स को, इन सारी रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट यकीनन अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।